हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरशद अहमद खान और आज मैं लेकर आया हूं टॉपिक जो है बहुत ही कमाल का टॉपिक है आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए। कैसे कनेक्ट करें अपने टीवी से अपना होम थिएटर। दोस्तों अगर आपके पास ब्लूटूथ स्पीकर्स हैं या फिर हेडफोन है वो कनेक्ट करना चाहते हैं, या होम थिएटर है जो आप अपने टीवी से कनेक्ट करना चाहते हैं और नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि बहुत ही आराम से अपना होम थिएटर हो या आपके पास कोई स्पीकर्स हो ब्लूटूथ वाला या फिर आपके पास हेडफोन है तो किस तरह से आसानी से आप ब्लूटूथ के जरिए अपना होम थिएटर अपने टीवी से या फिर कोई भी डिवाइस अपने टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी मैं ये देना चाहूंगा आपको कि ब्लूटूथ होना दोनों डिवाइस में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना ब्लूटूथ के अगर एक डिवाइस में ब्लूटूथ नहीं है, एक डिवाइस में ब्लूटूथ है, जैसे आपकी टीवी में ब्लूटूथ हो, आपके होम थिएटर में ब्लूटूथ नहीं है तो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। दोस्तों ये चेक कर लीजिएगा आपके टीवी में पुरानी टीवी अगर है तो पुरानी टीवी में ब्लूटूथ है या नहीं है, या फिर आपका पुराना कोई होम थिएटर तो उसमें ब्लूटूथ है या नहीं। दोस्तों आप चेक कर लें दोनों डिवाइस में ब्लूटूथ है या नहीं, तभी कनेक्ट हो पाएगा ब्लूटूथ से टीवी। तो ब्लूटूथ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे वीडियो मैं लेकर आता रहता हूँ, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलनी जरूरी होती है मेरे नए वीडियो की, तभी नए नए वीडियो आप देख पाएंगे। और लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में कोई सवाल हो भी आप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी सवाल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि कैसे आपका जो टीवी है आपके होम थिएटर से कनेक्ट हो जाएगा इजीली। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं टीवी, ये हमारा TCL का टीवी है, और जो बहुत सारे टीवी होते हैं सब में अलग अलग सिस्टम होता है, लेकिन मैं TCL के टीवी में आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से आप अपने होम थिएटर को टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं बहुत ही आराम से, बहुत ही ईजिली। सारे सिस्टम एक जैसे होते हैं स्मार्ट टीवीज़ के, बस आपको थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करनी होगी। थोड़ा सा मिलते जुलते सब ऑप्शन होते हैं, MI का टीवी हो गया या फिर सैमसंग सोनी वगैरह, थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन MI और TCL वगैरह के जो TVs हैं उनका जो सिस्टम होता है वो एक जैसा होता है, इंटरफेस वगैरह एक जैसा होता है नॉर्मली। तो हमें यहाँ पर सेटिंग में जाना होगा, सेटिंग पे रिमोट से आप सेटिंग को ऑन कर लीजिए, और यहाँ पर आपको सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा मोर एंड सेटिंग, तो मोर एंड सेटिंग में ओके कर दीजिए और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो यहाँ पे हमें क्या सर्च करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए रिमोट एंड एसेसरीज यहाँ पर लिखी होगी, तो मोर रिमोट एंड एसेसरीज में ही आपका जो है टीवी का जो रिमोट है वगैरह, और या ब्लूटूथ होम थिएटर हो या फिर आपका जो ब्लूटूथ डिवाइस कोई भी हो, वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं रिमोट एंड एसेसरीज में। तो रिमोट एंड एसेसरीज आपके टीवी में कहीं भी हो तो उसको आप सर्च कर लीजिए। अब यहाँ पे आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आ रहा होगा दोस्तों, और यहाँ पर ब्लूटूथ विजिबिलिटी का भी ऑप्शन आप दिखाई देगा। तो आप पहले ब्लूटूथ विजिबिलिटी को चेक कीजिए दोस्तों कि आपकी जो टीवी की विजिबिलिटी है वो ऑन है या नहीं है। अगर ये ऑफ इस तरह से दिखाई दिए तो आप इसको ऑन कर लीजिए। तो इसको ऑन करने के बाद आपका डिवाइस जो दूसरा होगा वो पैर होने में आसानी होगी, क्योंकि अगर विजिबिलिटी ऑफ होगी तो पैर नहीं हो पाएगा। तो इसको ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद यहाँ पर देखिए मेरा एक रियलमी बर्ड्स यहाँ पर कनेक्ट है दोस्तों, जो मेरा हेड ब्लूटूथ एयरबर्ड्स है तो मैंने कनेक्ट रखा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ऐड यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बिफोर पेयरिंग ब्लूटूथ डिवाइस मेक श्योर यू डैट पेयरिंग मोड, यानी कि आपका जो दूसरा डिवाइस है वो पेयरिंग मोड में है या नहीं है ये आपसे बोल रहा है। अगर नहीं है तो अपने होम थिएटर या फिर अपने ब्लूटूथ को पेयरिंग मोड में लगा दीजिए, तभी जा करके यहाँ पर शो करेगा आपका जो ब्लूटूथ का जो भी डिवाइस का नाम है वो यहाँ शो करेगा। तो इसको हम ओके कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर में आ रहा है मेरा होम थिएटर का नाम SPA 8000B, ये मेरे होम थिएटर का नाम है, इसको हम ओके कर देंगे। तो ओके करने के बाद पेयरिंग लिखा हुआ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर पेयरिंग यहाँ पर चालू है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर पैर का ऑप्शन आपको मिलता है, तो पैर में हम फिर दोबारा से ओके करेंगे। तो डिवाइस को कनेक्ट करने से पहले आप अपने डिवाइस की जो जहाँ जिस होम थिएटर हो या फिर आप ब्लूटूथ को पैर कर रहे हैं उसका नाम ज़रूर से सर्च करके देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है आसपास के कोई और डिवाइस हो आप उससे कनेक्ट करें तो वहाँ पर कनेक्ट नहीं हो पाएगा। आपके जो डिवाइस का नाम है वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो इसको हम पेयरिंग मोड पर फिर से डालेंगे दोस्तों, फिर पैर ओके कर देंगे, इसको पैर को जो लिखा हुआ है उसको ओके कर देंगे। तो पैरिंग यहाँ पर हो रही है, कनेक्टिंग यहाँ पर लिखा हुआ गया और कनेक्ट हो चुका है। तो हमारा होम थिएटर बहुत आराम से कनेक्ट हो चुका है। अब तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ वॉल्यूम करके, यहाँ पर जो ये वॉल्यूम है ये ब्लूटूथ का वॉल्यूम है, होता है टीवी का वॉल्यूम, लेकिन अब जो मैं टीवी में कुछ भी चलाऊंगा तो ये टीवी की आवाज़ नहीं आएगी बल्कि आपके होम थिएटर में से आवाज़ आएगी। तो देखिए दोस्तों अब जो आवाज़ आएगी वो होम थिएटर में से आएगी मेरे। तो दोस्तों इस तरह से आपकी जो
कनेक्ट हो जाएगा आपका होम थिएटर बहुत ही आराम से, बहुत ही ईजिली। अब ये जो वॉइस आप सुन रहे होंगे ये मेरे होम थिएटर में से आ रही है, और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे दोस्तों, हेल्पफुल वीडियो आपको इस चैनल में मिलते हैं। तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ, क्योंकि नए वीडियो आपको बेल आइकन के थ्रू मिल जाते हैं। तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और एंजॉय करिए इस म्यूजिक को।